तो गाइस आप मान लो कि इसके ना तीन ही मोड हैं बेसिकली। पहली जो आपकी रेन मोड है जिसमें सबसे कम पावर होती है, दूसरी जो है ना वो स्पोर्ट मोड या रेस मोड बोल लो आप, ये दोनों हैं, और तीसरी जो है ना वो यूज़र मोड या स्लिक मोड। अरे बन कम से कम इंडिकेटर दे दीजिए, क्या मोड़ते हैं आप लोग महाराज, मतलब गजब खराब व्यवस्था है। That's how idiot proceeds, guys. So guys, क्या सही लोकेशन है यार, मतलब अगर बरसात के दिन में आप लोग आओ तो बहुत ही प्यारी लोकेशन है। मेरा GoPro में उतना अच्छा फुटेज नहीं आ रहा होगा, बट लेट मी शो यू हाउ डज इट एक्चुअली लुक्स। ये देखो चलो गाइस, वेलकम बैक टू अनदर व्लॉग। सो गाइस हाउ आर यू ऑल गाइस, मैंने एग्जॉस्ट हटा दिया है बट नथिंग टू वरी, फिर लगा लूँगा। बंद कर दो गेट को। सो एक्चुअली यार गर्मी बढ़ गई है दो दिनों से, और इस बाइक को हम दो दिन से निकाले नहीं थे क्योंकि बहुत ज़्यादा गर्मी हो रही थी, और आज भी काफ़ी गर्मी है, बट मेरा मूड था जिसको राइड करने का, सो आई टुक इट आउट। एंड आज जाएंगे कोलेवीरा घूमने, मतलब ऐसे घूमने सो आज हम लोग जाने वाले हैं कहाँ ये मुझे भी नहीं पता, बट ऐसा यूजुअली हमेशा ही होता है कि हम कहाँ जा रहे हैं मेरे को नहीं पता होता है, बट हाँ जा रहे हैं। और मैं पिछले दो दिनों से ना अपने बाइक को स्पोर्ट मोड पे चला रहा हूँ गाइस, और भाई काफ़ी तबाही है, मतलब इसके जो मोड्स है ना, चार मोड्स बेसिकली, चार ही हैं बट लिखते पांच है। ये देखो, पहला रेन, दूसरा स्पोर्ट, तीसरा रेस, चौथा स्लिक, पांचवा यूज़र, बस ये पांच मोड है। तो डिस्कस करेंगे इन पांचों के बारे में ऑन द वे, मतलब थोड़ी अच्छी रोड मिले फिर मैं आपको बताऊंगा कि इनमें पावर कैसी रिलीज होती है बाइक से। सो लेट्स गो, पहले दुकान जाएंगे, कुछ सामान वामान वहाँ छोड़ेंगे क्योंकि मेरे पास एक बैग है और शशि आया हुआ है, तो कुछ रील वील भी शूट करेंगे आज जंगल के एरिए में, और आ जाना है हमें 12 बजे तक वापस। ये देखो खाली खाली छोड़ी पटाता है, खाली बिजी रहता है, सबका पढ़ाई लिखाई जो है स्टूडेंट्स और सब खाली छोड़ी पटाता है, पूरा पेंट मार रहा है, पेंट मारेगा वही पूछ रहे हैं। ओ देख रहे हो भाई साइकिल के दीवाने, पूरा साइकिल ही पेंट कराना है भाई लोग को। अभी भाई साइकिल का बहुत ट्रेंड चला हुआ है, भाई लोग साइकिल को ही ख़तरनाक मॉडिफाई करा रहे हैं। क्या बोला कहा लेके, कहे नहीं लाया, सामटोली लेगा, हाँ तुरंत तो आ जाएंगे। सो हाउ इज इट लुकिंग, एग्जॉस्ट चेंज कर दे का, एग्जॉस्ट चेंज कर दें, एग्जॉस्ट चेंज कर दें, रहने दे चल। सो गाइज इट्स टाइम टू आंसर कि हम लोग जा कहाँ रहे हैं। तो गाइज हम लोग जा रहे हैं, हम लोग जा रहे हैं वेयर, कहाँ कहाँ कहाँ, ये तो रांची रोड है बट रांची रोड में कहाँ, चलो 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 थोड़ी देर में पता चल जाएगा। लेट मी टेल यू अबाउट द पावर मोड्स ऑफ दिस ब्यूटीफुल मशीन। तो गाइस सबसे पहले आती है हमारी रेन मोड, रेस मोड, सॉरी, तो गाइस सबसे पहले आती है हमारी रेन मोड,
फिर स्पोर्ट मोड, फिर रेस मोड, फिर स्लिक एंड देन यूज़र, जिसमें कि सबसे पहली है हमारी रेन मोड। रेन मोड काफ़ी निम्बल है, मतलब आप ऐसे एक्सेलरेट करो, नॉर्मली ऐसे जा रही है, नॉर्मली जाती है, ठीक है, ऐसे ही, मतलब ये स्पीड जाएगी उतनी ही, लेकिन थोड़ा स्लोली जाती है, मतलब 70% पावर आपको मिलेगा बाइक का। नेक्स्ट जो आता है ना, वो है इसका स्पोर्ट मोड। अब जैसे रेन मोड में बहुत ही निम्बल स्लोली ऐसे जा रही थी, इसमें क्या होता है ना, ऐसे आती है, इसमें ऐसे आती है, ऐसे जाती है, ऐसे जाती है, इसमें देख रहे हो ना, वो भाई स्पोर्ट मोड जो है ना, वो तबाही है, मतलब ऐसे भागती है ये स्पोर्ट मोड में। और तीसरा जो है ना इसका रेस मोड, रेस मोड इज ऑल द सेम, मतलब रेस और स्पोर्ट लगभग सेम है, ऐसे जाती है, तो देखा ना आप लोगों ने कि ये रेस मोड में कैसे जाती है। सो रेस एंड स्पोर्ट बोथ आर ऑलमोस्ट सेम। नेक्स्ट इसका मोड आता है, वो है हमारा स्लिक मोड। एंड बिलीव मी गाइस, ये इतना पावरफुल मोड है ना इसका, अभी मैंने इसका जो DTC है ना, वो लेवल 7 पे है, बट इसकी जो कैपेसिटी है ना स्लिक मोड पे, ये मतलब अभी ट्रैक्शन कंट्रोल कर रही है, और ट्रैक्शन कंट्रोल की इसमें टोटल 15 लेवल्स है, -7 to +7। तो भाई पहले मैं दिखाता हूँ आपको कि ये -7 में कितना वर्क करती है, फिर 0 में कितना वर्क करती है, और फिर +7 में कितना वर्क करेगी। तो फिलहाल जो मेरा DTC का लेवल है ना, वो है +7। अब देखो +7 में कितना ट्रैक्शन कंट्रोल ले रही है, मतलब जो पावर है ना, वो पूरी तरीके से अनलीश नहीं हो रही है। अभी मैं इसका जो है ना, वो DTC कम करूँगा, ये देखो ऐसे, हाँ ये 0 पे आ गए ना, अभी देखो, अभी थोड़ा जो है ना, भाई पॉप हो रही थी ऐसे 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 ऐसे। और अब अगर हम इसको -7 पे ले आए, जो कि इसका सबसे मोस्ट पावरफुल मोड है, तो ये कैसी होगी मैं दिखाता हूँ आपको। अरे भाई 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 साहब, बकरी, बाप रे बाप, अरे भाई क्या चीज है ये, थोड़ा बढ़िया रोड होता ना तो बताते हम इसका पूरा मोड। भाई साहब पॉप कर रही है, पॉप, मतलब नीचे रहना ही नहीं चाह रही है बाइक। तो गाइस नेक्स्ट जो इसका मोड है ना, वो यूजर मोड है, और सच बताओ तो मुझे यूज़र मोड के बारे में बिल्कुल भी नहीं पता है। यूज़र मोड और मेरे को लगता है स्लिक मोड, ये दोनों ना ऑलमोस्ट सेम है। तो गाइस आप मान लो कि इसके ना 3 ही मोड हैं बेसिकली। पहली जो आपकी रेन मोड है, जिसमें सबसे कम पावर होती है। दूसरी जो है ना, वो स्पोर्ट मोड या रेस मोड बोल लो आप, ये दोनों हैं। और तीसरी जो है ना, वो यूज़र मोड या स्लिक मोड, ये कह लो आप। तो बस यही 3 मोड है बेसिकली इसके। सो
गाइस, बातों बातों में ही हम लोग कोलेबिरा भी पहुंच गए और पता भी नहीं चला। तो हम सोचे कोलेबिरा आ ही गए हैं तो थोड़ा कोलेबिरा डैम घूम के आते हैं। ओ भाई साहब क्या गर्मी लग रही है। वैसे आज कम गर्मी है बट फिर भी बहुत ज़्यादा गर्मी लग रही है। So let's go guys. ओ भाई ये कौन सा है नीला घोड़ा? मेरे दोस्त ना समझ जाएंगे, मेरे जो VIT वाले दोस्त है ना। सो गाइस चलो चलते हैं आज कोलेबिरा डैम। एक्चुअली मैं ये डैम पहले कभी नहीं आया हूँ, आज से पहले लिटरली नेवर। वैसे सुना है इस जगह के बारे में बट आया कभी नहीं। किधर से रास्ता? हाँ? रास्ता मस्त। लोकेशन किधर से आएगा? तो इस साइड चले हैं? ठीक। हाँ बाप रे इतनी सारी जली हुई लकड़ियाँ, लाश इधर ही डलाते हैं क्या डायरेक्ट? फील तो ऐसा ही हो रहा है, भगवान हमारी रक्षा करे। किधर से? हाँ शशि हवे हो, तुम भी पहली बार आया है? वाह चलो गाइस पहुंच गए हम कोलेबिरा डैम। तो गाइस क्या सही लोकेशन है यार, मतलब अगर बरसात के दिन में आप लोग आओ तो बहुत ही प्यारी लोकेशन है। मेरा गोप्रो में उतना अच्छा फुटेज नहीं आ रहा होगा बट लेट मी शो यू हाउ डज इट एक्चुअली लुक्स। ये देखो, देख रहे हो ना आप लोग कितनी अच्छी लोकेशन है। और ये देखो शशि इधर अभी शूट कर रहा है रील्स। रील्स जल्द मिलेंगे आप लोग मेरे इंस्टाग्राम पे, अगर आप लोगों ने फॉलो नहीं किया सो अगेन आई एम टेलिंग इट्स वेद गोप _PSN। सो गाइस डू फॉलो मी ऑन इंस्टाग्राम। चलो अब चलो। सो गाइस जितना सोचा था उससे ज़्यादा ही खराब लोकेशन है इस साइड का। उस साइड का अच्छा है बट इस साइड का मतलब बहुत ही गंदी लोकेशन है यार। और लोग पता नहीं आप पिकनिक कैसे मनाते हैं, बहुत ज़्यादा पिकनिक मनाने आते हैं लोग यहाँ दूर दूर से बट आई डोंट लाइक इट। सच में मुझे ये जगह पसंद नहीं आई पर्टिकुलरली इस साइड। थोड़ा चाप के आते हैं का? So guys, let's go back to home. अरे बन कम से कम इंडिकेटर दे दीजिए, क्या मुड़ते हैं आप लोग महाराज? मतलब गजब खराब व्यवस्था है। That's how idiot proceeds, guys. क्या आदमी लोग थे बे, इंडिकेटर तक नहीं दिए भाई, ऐसे कौन करता है यार? देखा ना कैसे मुड़ा, आ बीच में लिया मुड़ दिया, वही तो बोले इंडिकेटर ही नहीं दिया भाई। ऐसे ना किया करो यार, कम से कम मैच्योर हो, आप अंकल जैसे लग रहे थे उसके ड्राइवर, फिर भी ऐसे करते हैं। अब हाईवे है यार, कोई भी 40-50 की स्पीड में तो चलेगा ही, लेकिन आप उस बीच में अचानक से ऐसे मोड़ दोगे कैसे चलेगा?
चलो इस ब्यूटीफुल ब्लॉग को यहीं पे एंड करते हैं और मिलेंगे फिर किसी नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए सभी को बाय बाय एंड जोहार। और वाइस ये इन्फॉर्मेशन कैसे लगी आप लोगों को ज़रूर बताना मुझे। और फर्दर आप मेरी बाइक के किस नए फीचर के बारे में जानना चाहोगे आप उसके बारे में बताना मुझे, क्योंकि मैं चाहता हूँ ना गाइस कि ये बाइक ना एकदम खुली किताब की तरह रहे। ओके सो डू मेंशन योर वैल्युएबल कमेंट गाइस। सी यू लेटर।